वट इज थ्योरेटिकल सैम्पलिंग? थ्योरेटिकल सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें हम सैम्पल से डेटा कलेक्ट करते हैं थ्योरी डेवलप करने के लिए। चूंकि हम सैम्पल से डेटा कलेक्ट करते हैं थ्योरी डेवलप करने के लिए, इसी वजह से इसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। रिसर्च मैथडोलॉजी की इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स को स्टडी किया है। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, जजमेंट सैम्पलिंग है, एक्सट्रीम केस सैम्पलिंग है। ये सैम्पलिंग टेक्निक्स थ्योरी डेवलप करने के लिए यूज नहीं की जाती, सिर्फ थ्योरेटिकल सैम्पलिंग को थ्योरी डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग को ग्राउंडेड थ्योरी में यूज किया जाता है। ग्राउंडेड थ्योरी क्वालिटेटिव रिसर्च की एक टाइप है। ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर हम नई थ्योरी को डेवलप करते हैं। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग ग्राउंडेड थ्योरी का कोर प्रोसेस है। ग्राउंडेड थ्योरी में हम न्यू थ्योरी को डेवलप करते हैं, इसी वजह से ग्राउंडेड थ्योरी में थ्योरेटिकल सैम्पलिंग को यूज किया जाता है। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग के कॉन्सेप्ट को 1967 में ग्लेसर और स्ट्रॉस ने इंट्रोड्यूस किया। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग ऑनगोइंग और अनप्लैंड सैम्पलिंग टेक्निक है। इसमें रिसर्चर इनिशियली सैम्पल से डेटा कलेक्ट करता है, डेटा को एनालाइज करता है और डेटा से जो रिजल्ट्स निकलते हैं उसी की बेस पे रिसर्चर ये डिसाइड करता है कि उसने नेक्स्ट कौन सा डेटा कलेक्ट करना है और कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है। रिसर्चर एक और सैम्पल सेलेक्ट करता है, उससे डेटा कलेक्ट करता है, डेटा का एनालिसिस करता है। रिसर्चर दोनों सैम्पल्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करता है और ये देखता है रिजल्ट्स सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। इसी की बेस पे रिसर्चर नेक्स्ट सैम्पल सेलेक्ट करता है, उससे डेटा कलेक्ट करता है और डेटा से जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनको प्रीवियस सैम्पल के साथ कंपेयर करता है। इसी वजह से थ्योरेटिकल सैम्पलिंग ऑनगोइंग होती है, अनप्लैंड होती है। इसमें रिसर्चर पहले से प्लान नहीं करता कि उसका सैम्पल क्या है और उसने सैम्पल से कौन सा डेटा कलेक्ट करना है। आमतौर पर थ्योरेटिकल सैम्पलिंग को पर्पजिव सैम्पलिंग के साथ रिलेट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्पजिव सैम्पलिंग में रिसर्चर पहले से प्लान करता है, लेकिन थ्योरेटिकल सैम्पलिंग अनप्लैंड होती है। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में डेटा कलेक्शन, डेटा कोडिंग और डेटा एनालिसिस, ये एक्टिविटीज एक साथ ही एग्जीक्यूट की जाती हैं। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग इज परफॉर्म्ड अनटिल थ्योरेटिकल सैचुरेशन इज अचीव्ड। अब थ्योरेटिकल सैम्पलिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। रिसर्चर बार बार डिफरेंट सैंपल से डेटा कलेक्ट करता है। थ्योरेटिकल सैचुरेशन की अचीवमेंट के बाद कोई फर्दर सैंपलिंग नहीं की जाती। थ्योरेटिकल सैचुरेशन क्या होती है? थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में थ्योरेटिकल सैचुरेशन वो पॉइंट होता है जिसमें अगर रिसर्चर कोई न्यू डेटा कलेक्ट करता है तो न्यू डेटा से रिजल्ट्स डिफरेंट नहीं आते। न्यू सैंपल के जो रिजल्ट्स होते हैं वो प्रीवियस सैंपल के साथ मैच करते हैं। न्यू सैंपल के रिजल्ट्स और प्रीवियस सैंपल के रिजल्ट्स सिमिलर होते हैं। थ्योरेटिकल सैंपलिंग में इस पॉइंट को थ्योरेटिकल सैचुरेशन कहते हैं। थ्योरेटिकल सैंपलिंग में जब थ्योरेटिकल सैचुरेशन अचीव हो जाती है, फर्दर सैंपल से डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता। यहां पे थ्योरेटिकल सैंपलिंग एंड हो जाती है। थ्योरेटिकल सैचुरेशन की अचीवमेंट के बाद थ्योरी डेवलप हो जाती है, थ्योरी इमर्ज हो जाती है और थ्योरी रिफाइन हो जाती है। रिसर्च में थ्योरेटिकल सैंपलिंग को कब यूज किया जाता है? थ्योरेटिकल सैंपलिंग को डेटा से न्यू थ्योरीज डेवलप करने के लिए ग्राउंडेड थ्योरी में यूज किया जाता है। थ्योरेटिकल सैंपलिंग को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यूज नहीं किया जाता। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम किसी इवेंट या किसी सिचुएशन, किसी फिनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में थ्योरेटिकल सैम्पलिंग को यूज नहीं किया जाता। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग को आप ऐसी रिसर्च में भी यूज नहीं कर सकते जहां पे एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को फॉलो करना होता है, क्योंकि थ्योरेटिकल सैम्पलिंग प्लान्ड नहीं होती।
थ्योरेटिकल सैम्पलिंग अनप्लैंड होती है। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग की एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर ये स्टडी करना चाहता है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं। इस एग्जांपल में रिसर्चर स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करता है। रिसर्चर को डेटा से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी बेस पे उसे पता चलता है कि स्टूडेंट्स के फेल होने के पीछे जो बड़ी रीज़न है वो टीचर्स हैं। टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते, इसी वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में रिसर्चर टीचर से डेटा कलेक्ट करता है। डेटा को एनालाइज करने के बाद रिसर्चर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि स्टूडेंट्स के फेल होने की बड़ी वजह टीचर्स नहीं हैं बल्कि कोर्स कंटेंट है। जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। इस एग्जाम्पल में रिसर्चर नेक्स्ट स्टेप में सिलेबस को स्टडी करता है, कोर्स को स्टडी करता है कि स्टूडेंट्स के फेल होने की रीजंस क्या हैं। ये एग्जाम्पल है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग की। रिसर्चर ने स्टूडेंट से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर उसने टीचर से डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद फिर उसने कोर्स को स्टडी किया, कोर्स का एनालिसिस किया। इसी वजह से थ्योरेटिकल सैम्पलिंग ऑनगोइंग होती है। रिसर्चर एक सैम्पल से डेटा कलेक्ट करता है, डेटा को एनालाइज करता है, इसके बाद फिर वो नेक्स्ट सैम्पल से डेटा कलेक्ट करता है, डेटा को एनालाइज करता है और दोनों सैम्पल के रिजल्ट्स को कंपेयर करता है। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग का ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक न्यू थ्योरी डिवेलप नहीं हो जाती, न्यू थ्योरी इमर्ज नहीं हो जाती।